अब मैक में हो किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, बस आपको क्या करना है, आपने उसी प्रॉब्लम्स का फोटो खींचनी है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है और व्हाट्सएप के इस नंबर पे आपको उसे सेंड करना है। जैसे ही आप इस नंबर पे आप उसे सेंड करेंगे आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। तो मैथ की जितनी भी आपको वीडियो प्रॉब्लम्स या फिर आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लास 6 से लेकर 12th और IIT JEE लेवल तक आपको सभी मैथ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन वो मिल जाएगा। बस आपको 8400400400 पे आपको अपना व्हाट्सएप करना है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउटनेट ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंजरटेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद क्या करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पर जाना है, क्या आपको इकट्ठा करना है, ठीक है, और कौन सी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में जो बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, अगर आप किसी भी आपको सीट अलॉट हो जाती है और वो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो तो आपको कब तक आप जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग वीडियो मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, ठीक है, तो इसको पूरे अच्छी तरीके से ज़रूर देखना है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि यहाँ पे हमारा जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, आपको जो 27th को आपको अपना रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब आपको सीट अलोकेशन है वो पता चल जाएगी भी आपको कौन कौन से कॉलेज के अंदर सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। और जिन स्टूडेंट्स को सीट ना मिले वो प्लीज़ स्टूडेंट्स वो निराश मत हो, उनके लिए 7 राउंड है, मतलब उसके बाद भी आपको 6 राउंड और मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपको सीट है वो मिल सकती है। तो चिंता मत कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को सीट है वो मिलने वाली है। अब स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे कि सर हमारी इतनी रैंक है, हमारी इतनी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज है वो मिल सकता है, क्या हम करना चाहिए, ठीक है। और सीधी सी बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही आती है कि इन्होंने अभी तक 75% जो स्टूडेंट्स हैं जनरल वाले और 65% वो SC और ST कैटेगरी वाले ही एलिजिबल हैं। अभी तक इन्होंने जोसा वालों ने टॉप 20 वाली लिस्ट वो अपलोड नहीं किया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से लिस्ट अपलोड हो जाए और आप सभी के लिए बेनिफिट है वो हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये बात आती है कि आपको जैसे ही कैंडिडेट हु कैन बी अलॉटेड ए सीट अलाउड ऑन द डाउनलोड ऑफ द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको वहाँ से निकलवाना है और वही आपके डॉक्यूमेंट्स में भी रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले बता चुका हूँ तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको क्या करना है, ये भी आपको उस डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना होगा। फिर उसके बाद आपको ई चलान और रीस्टेट ऑफ द सीट एक्सेप्टेशन फीस, जब आपने सीट एक्सेप्ट करोगे तो उसकी एक ई चलान स्लिप है वो आपको मिलेगी, तो वही स्लिप आपको अपने साथ भी रखनी है, वही स्लिप का भी प्रिंटआउट भी आपको निकलवा लेना है। उसके बाद आता है एडमिशन फीस देनी होगी आपको अक्रॉस द इंस्टीट्यूट्स कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग फीस होगी और कैटेगरी के हिसाब से भी कैंडिडेट की फ़ीस है वो भी अलग होने वाली है। एक्चुअली ये जो फीस है वो है एडमिशन फीस और जो ट्यूशन फीस होती है जो वो बाद में ली जाती है आपसे, ठीक है। हैंस एट द टाइम ऑफ द सीट एक्सेप्टेशन कैंडिडेट हैव द रिमिट ओनली द सीट एक्सेप्टेशन फीस, द सीट एक्सेप्टेशन फीस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एडमिशन फीस ऑफ द एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स। आपको डायरेक्ट भाषा में मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखिए कि SC कैटेगरी के लिए SC ST और जनरल PWD और जनरल EWS PWD कैंडिडेट के लिए उनको 15,000 रुपये एडमिशन के टाइम फीस है वो पे करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, उनको एडमिशन के टाइम 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन जब वो क्या करेगा, जब एडमिशन कराने जाएगा, मतलब जब उसको कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, वो अपने सीट एक्सेप्ट करके कॉलेज के अंदर जाने लगेगा, तब क्या होगा, जो उसकी फ़ीस होगी, मतलब जो ईयरली जो आप उसकी फ़ीस होगी उसके अंदर ये ऐड हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपकी फ़ीस होती है 1,00,000 रुपीज़, तो उसके अंदर 15,000 रुपये काट के फिर बाकी फ़ीस आपसे ली जाएगी, जैसे 85,000 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे और ये आपकी फ़ीस उसमें से डिटेक्ट हो जाएगी। मतलब ये फ़ीस आपको कुछ इस तरीके से नहीं है, सिर्फ आपके एज ए सिक्योरिटी फ़ीस आपकी ये ली जाती है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी कितनी है। तो जो कैंडिडेट SC ST और जनरल PWD के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 15,000 रुपये एट द टाइम ऑफ द एडमिशन फ़ीस, मतलब अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो अपनी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको 15,000 रुपये सबमिट वो करवाने पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं अदर, मतलब आ जाते हैं हमारे जनरल, जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स, उन सभी को जो फीस वो पे करनी पड़ेगी वो 35,000 रुपीज़ है, उनको पे करने पड़ेंगे। तो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपको 35,000 रुपीज़ अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे और वहाँ पे उन्हें सबमिट कराने होंगे। नेक्स्ट ऑफ ऑल बात यह आती है कि अगर कैंडिडेट शुड भी वो सबमिट कर सकता है रिमिट सीट एक्सेप्टेशन फीस यूजिंग द ई चलान और यूजिंग द SBI नेट बैंकिंग रिपोर्ट एट द रिपोर्टिंग सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट टाइम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस। एक्चुअली आपको सारी इन्फॉर्मेशंस, आपको जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो वहाँ पे आपको दिया होगा भी इतना टाइम आपके पास है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके बीच में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्टिंग सेंटर में जाके अपनी फ़ीस है वो सबमिट करानी होगी। उसी के बीच के अंदर अगर फेलियर्स, ठीक है, ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सीट एक्सेप्टेशन विल बी कंसिडर्ड एट द कंसिडर एट बी रिजेक्ट डेट दी ऑफर। अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी फीस पेमेंट करने से रह जाता है, अगर वो फीस पेमेंट नहीं कर पाता तो उसकी वो सीट है वो रिजेक्ट वो कर दी जाएगी। ये भी यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि अगर किसी सीट स्टूडेंट्स को सीट विल बी कंफर्म कर देता है रिपोर्टिंग सेंटर आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए भी, और वो सब कुछ जो भी, मतलब अगर चाहता है कि वो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी वो एलिजिबल वो हो जाएगा। अगर वो सीट विल बी कैंसिल होती है तो एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, तो डज नॉट बी मीट ऑल द एलिजिबल नॉर्मल्स, मतलब सीधी सी बात है कि उसको फीस वगैरह वो पे नहीं करनी पड़ेगी, ओबियसली उसकी सीट है वो कैंसिल वो हो जाएगी, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, क्या आती है, रिजेक्ट। रिजेक्ट करना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, सॉरी मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि ये खतरनाक तो इसलिए कि मैंने कहा है कि आपके लिए आपको रिजेक्ट करना नहीं है किसी भी सीट को। अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो उसमें फ्रीज फ्लोट या स्लाइड के ऑप्शन को यूज़ करके आप उसे स्किप कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात आती है ऑप्शन ऑफ द रिजेक्ट, अगर आप करते हैं और नॉट एक्सेप्ट द सीट अलोकेशन, सीट अलॉटेड सीट है वो आपको, अगर या तो आप उसे रिजेक्ट करते हो या फिर आपको नॉट एक्सेप्टेड, आपकी जो सीट है वो एक्सेप्टेड नहीं होती है। कैंडिडेट हु वांट टू रिजेक्ट द अलॉटेड सीट कैन बी श्योर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस उसके साथ क्रिएट होने वाली है। सबसे पहले तो ये बाय नॉट बी रिमिटेड द सीट एक्सेप्टेशन फीस, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट फुल इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ आती है कि इफ़ सीट एक्सेप्टेशन फीस ऑलरेडी बीन सबमिट, अगर वो कर देता है बाय नॉट रिपोर्टिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर, अगर वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर देता है उसके बाद वो सीट एक्सेप्टेशन की, लेकिन वो रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट नहीं करता है, तो सीट एक्सेप्टेशन विल बी रिफंड टू द सच कैंडिडेट, तो वो फीस है उस स्टूडेंट्स को रिफंड हो जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे बात आती है कि उसमें से 1500 रुपये वो काट लिए जाएंगे, 1500 रुपये काट के बाकी जितनी भी फीस होगी वो आपको रिफंड है वो हो जाएगी। ये सिचुएशन सिर्फ जब होने वाली है जब आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो। अगर कोई कैंडिडेट ये कह देता है डायरेक्ट कि मैं सीट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, कैंडिडेट हु रिजेक्ट अलॉटेड सीट, तो यहाँ पे आती है कि कैन नॉट पार्टिसिपेंट एनी मोर इन द जॉइनिंग सीट अलोकेशन एर इंश्योर अकेडमिक ईयर 2019 और 2020, तो सीधी सी बात है वो नहीं, वो नेक्स्ट राउंड में वो ना जा सकता है, ना वो किसी तरीके की सीट अलोकेशन है उसको मिलने वाली है। तो प्लीज़ करके कोई भी अगर आपको सीट अलोटेड होती है तो प्लीज़ उसे रिजेक्ट वो मत कीजिए, रिजेक्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं चाहता तो उसे स्लाइड कीजिए, स्लाइड करते जैसे आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे और वो वाली सीट वो आपकी स्किप हो जाएगी। तो ऐसा गलती मत करना कि किसी भी चीज़ को आप रिजेक्ट मत करना, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ना भी आप स्पेशल राउंड में भी नहीं जा सकते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको अपनी सीट अगर आपको अलॉटेड होती है तो उसे प्लीज़ रिजेक्ट वो मत कीजिए। हाँ बस रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट मत कीजिए, लेकिन आपको फ़ीस है एक बार ज़रूर पे करनी ही पड़ेगी। अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपकी सीट रिजेक्टेड मानी जाएगी और आप नेक्स्ट राउंड में इसे निकाल दिए जाएंगे। तो यही बात मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूल रिपोर्टिंग,
तो ये ड्यूल रिपोर्टिंग क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस होता है, कि मान के चलिए आपने एक बार आईआईटी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो क्या आपको एनआईटी के अंदर भी फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? तो इसी चीज़ को कहा जाता है ड्यूल रिपोर्टिंग, और ये किस तरीके से होती है, क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी बातें वो क्लियर कर दूंगा आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड से रिलेटेड, ठीक है। और आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इस पॉइंट को आप प्लीज़ एक बार दोबारा रीड कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने सीट रिजेक्ट की तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप सीट एक्सेप्टेशन फीस पे कर देते हो उसके बाद आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट वो रिजेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन आपको फ़ीस वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन एक बार आपको क्या करना होगा, अपनी फ़ीस वो सबमिट करानी होगी। अगर आपने सीट आपको मिलती है तो उसे एक बार आपको एक्सेप्ट वो करना ही पड़ेगा। ये था हमारा पूरा प्रोसेस, और इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितने भी हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी और भी इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।